थिएटर भी आपने किया था रामलीला अजय देवगन के साथ, जी थिएटर में काम करना कितना मुश्किल था? एक्चुअली लोग आपके सामने हैं, आपको परफॉर्म करना है, कितना मुश्किल था वो? जी वो लाइव स्टेज परफॉर्मेंस थी और रिकॉर्ड भी हो रही थी, 12 कैमरा का सेटअप था एंड और लाइव ऑडियंस भी थी, तो ये रामलीला जो थी ये डिसाइड हुई थी कि 15 दिन पहले डिसाइड हुई थी कि ये अभी करनी है और दशहरा से दिवाली पे करनी है. सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. इट वॉज अ ब्रिलियंट आई थिंक एफर्ट पुट इन बाय द एंटायर टीम. विस्क्राफ्ट इन्वॉल्व था उसमें, स्वानंद किरकिरे, वो उन्होंने सारे लिरिक्स और सॉन्ग्स किए थे. तो रेमो सर कोरियोग्राफी कर रहे थे, ही डिज़ाइंड ऑल द एक्ट्स, उसमें 20 एक्ट्स थी, तो और मैं राम प्ले कर रहा था. तो वो मेरे लिए बहुत ही एक बहुत आई थिंक एक एक्टर के लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी करने के लिए, क्योंकि लाइव ऑडियंस मैंने कभी मैंने रैंप किया हुआ था लेकिन कभी मैंने उनके सामने परफॉर्म वैसा नहीं किया था. तो आई थिंक वो एक डिफरेंट हाई होता है. एंड उसमें दर्शन जरीवाला सर वॉज आ थिएटर डायरेक्टर, तो उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी टिप्स दी जो आई थिंक मुझे लाइफ लॉन्ग काम आएंगी बहुत. थिएटर आर्टिस्ट हो गए आप, थ्रिलर किया है आपने, एक्शन अभी आप खतों की खिलाड़ी में कर रहे हैं, आप एक्चुअली क्या सोचते हैं एक स्क्रिप्ट को लेकर कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह का जॉनर आप? जी मैं मतलब मुझे अपने आपको देख के ये रियलाइज होता है मेरी स्ट्रेंथ वाइज कि एक्शन इज समथिंग विच आई लव टू डू एंड इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी. और उसके अलावा थ्रिलर्स वगैरह ऑब्वियसली मुझे अट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐसा होता है जो मैं हाँ बोलता हूँ स्टोरी को. और कुछ तो होगा, कुछ पहले पिछले जन्म का कोई कोई वो होगा, यू नो आपकी कोई कॉलिंग होगी जो आपको कहती है कि ये करो. एंड आई हैव ऑलवेज बीन, मतलब बचपन से आई हैव ऑलवेज लाइक द डार्कर साइड और द ग्रेयर साइड आल्सो, या फिर बहुत ही फनी साइड, तो वो बीच का कोई रास्ता है नहीं, या तो टोटली इस साइड होगा या वो तो टोटली इस साइड होगा. खतरों के खिलाड़ी की बात की जाए तो क्या सबसे ज़्यादा टफ क्या लग रहा है उसमें आपको अब तक की जर्नी का? जी मैं मुझे सांपों और छिपकलियों से डर लगता है, लगता था अब मैं ये कह सकता हूँ. और वहाँ पे एक स्टंट था जहाँ पे हमें ब्लाइंड फोल्ड करके ले गए थे, हमारी आंखों पे पट्टी बांधी थी एंड एक पार्क में हमें ले गए, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइप था. तो फील तो आ गई थी सबको कि यहाँ पे एनिमल्स होंगे. फिर उन्होंने स्टंट दिखाया तो आई थिंक उस टाइम मेरी सलमान की हम सबकी बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि एक पॉट एक वो बनाया हुआ था, एक वेल टाइप थी, वेल में 60 सांप थे, 60 स्नेक्स एंड बिग, मतलब नॉट कि छोटे से सांप डाल दिए, तो बड़े सांप थे उसके अंदर. एंड एक था बॉक्स टाइप बनाया हुआ था कॉफिन जैसा, उसके अंदर एक क्रोकोडाइल था. तो आपको सांपों के पेट में घुसना है वो वेल के अंदर, वहाँ पे एक स्कल छुपाया हुआ था वो ढूंढ के लाना अंदर जाके, एंड फिर क्रोकोडाइल के बॉक्स में घुस के उसके मतलब उसके यहाँ यहाँ कहीं पे कहीं यहाँ इस साइड यहाँ इस साइड उन्होंने एक स्कल रखा हुआ था वो लेकर आना है, और वो बांधा नहीं हुआ है एंड इट इज़ अ यू नो एक्टिव क्रोकोडाइल. तो ये चीज़ जो थी सबसे ज़्यादा स्केरी थी आई थिंक. इसके बाद लगा कि अब कभी सांप या छिपकली आएगा भी तो उठा के प्रॉब्लम है साइड में. लाइव परफॉर्मेंस देना ऑडियंस के सामने उससे ज़्यादा मुश्किल ये लग रहा है? हाँ ये डेफिनेटली. मतलब ये चीज़ें ऐसी थी क्योंकि वो आपको पहले से नहीं पता होती ना कि आप ये करने जा रहे हैं आज. दे यूज़ टू टेल अस, मतलब वहाँ पहुँच के 2 मिनट या 5 मिनट पहले हमें बताते थे कि ये स्टंट है. एंड क्योंकि ऑब्वियसली रियलिटी है तो उनको भी वो आपका रिएक्शन भी चाहिए, तो पहले से बता के रखेंगे तो बहुत रेयरस्ट रिएक्शन होंगे. सो दे ऑल्सो टेल यू ऑन द स्पॉट कि ये है स्टंट. रियलिटी शो को आप कितना पसंद करते हैं? क्योंकि नॉर्मली लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड होती है या ऐसा कुछ होता है, मतलब इसमें स्क्रिप्टेड अगर होगा तो फन पार्ट स्क्रिप्टेड था, स्टंट्स तो डेफिनेटली स्क्रिप्टेड. हम में से तो किसी को नहीं पता था कि क्या स्टंट होगा आज. क्या स्टेट ऑफ माइंड था जब खतरों के खिलाड़ी आपके पास आया, आपने सोचा हाँ मुझे काम करना है इसमें, तो क्या स्टेट ऑफ माइंड था, कुछ नर्वसनेस थी या क्या सोच के चल रहे थे? खतरों के खिलाड़ी जब आया तो मुझे जब मैं पहले के जितने भी मैंने वो देखे हैं शोज, तो उसमें मुझे ये देख के लगता था कि यार ये करना है मुझे सीरियसली. बिसाइड्स ईटिंग, मतलब वो खाने वगैरह जो कॉकरोच खाने या कीड़े खाने थे, उसके अलावा मुझे सब कुछ करने का मन था मेरा, और ये था कि कभी ऐसा शो करने को मिलेगा तो आई डू इट. एंड दिस टाइम व्हेन दे कॉल्ड मी, तो मेरा पहला क्वेश्चन था कलर्स की टीम से कि क्या कुछ खाना है. सो दे सेड कि नहीं, वी आर नॉट
गिविंग एनीथिंग टू ईट दिस टाइम, क्योंकि हमें लगता है कि 9 बजे के प्राइम टाइम स्लॉट में हमें लोगों को ग्रोस आउट नहीं करना है, मतलब ऐसी घिन, वरना लोग चैनल चेंज कर देंगे. तो मैंने कहा तो और कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो यू नो आईड लव टू डू इट देन. ओके, एक्शन हो गया, थ्रिल हो गया, डांसिंग में भी आपने लोगों को बहुत इम्प्रेस किया है, लोगों ने पसंद भी किया था मैं हूँ कृष्णा में आपने जो स्पेशल अपीयरेंस दिया था. वो एक स्पेशल सॉन्ग था जो पिक्चर में था, कृष्ण जी पे था, और मेरे मेरे इष्ट देव जो है, मतलब हमारी फैमिली के जो हम मानते हैं कृष्ण जी को, तो गणेश मास्टर जी ने मुझसे पूछा कि ये गाना यार तू करेगा, तो मैंने कहा सर ये आप, मतलब फिर उन्होंने सुनाया एंड गाना सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. आई सेड कि सर ये तो मैं 100%, बट गिव मी सम टाइम, लेट्स रिहर्स एंड डू इट. तो ही सेड कि चल, मतलब लेट्स डू इट. हनुमान चालीसा, उसके बाद में रामलीला, फिर ये गाना, कुछ ऐसे स्पिरिचुअली आपके साथ कुछ स्पिरिचुअल? तो आई थिंक डेफिनेटली मेरा कोई कनेक्शन है, क्योंकि स्पिरिचुअल और साथ में डार्क साइड, डार्क साइड में, तो कुछ ना कुछ तो चक्कर है. अब यहाँ तो ये कर्म रिलेटेड है या फिर ये स्पिरिट्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्पिरिचुअली कुछ रिलेटेड है, क्योंकि मैं एज अ पर्सन आई एम वेरी वेरी स्पिरिचुअल, सो आई थिंक वहीं से कहीं आता होगा. राजेश, अभी आप आगे और क्या करने वाले हैं, क्या क्या हमको देखने मिलना है खतों के खिलाड़ी के बाद? जी जी, आगे एक फिल्म है स्पार्क, जो अब मतलब वी जस्ट वर्किंग ऑन द पोस्ट नाउ, सो उसका अभी टेंटेटिव टाइटल है स्पार्क. इसके अलावा अभी मेरा लाइक जो वर्क शुरू हुआ है वो होटल 2 पे शुरू हुआ है. होटल पहले आई थी 1981 में, दिस इज पार्ट 2, इतने सालों बाद बना रहे हैं. एंड ये राजीव रुइया बना रहे हैं, इनफैक्ट मैं कृष्णा हूँ के डायरेक्टर जो है, ही इज मेड गणेशा 1, 2, 3, सो ही विल बी डायरेक्टिंग इट. एंड उसमें बेसिकली वो सुपर नेचुरल थ्रिलर है, एक हॉरर फिल्म है. Again. Once again. जी. एंड उसके अलावा एक डायरेक्ट इश्क करके एक फिल्म है, जो कम्प्लीटली बनारस बेस्ड कहानी है, एक कलरफुल है, लेकिन एक गुंडे पे है. तो वो गुंडा मैं प्ले कर रहा हूँ. अच्छा, उस पर कुछ रिसर्च किया आपने पर्सनली? कुछ रिसर्च किया उस पर? अभी वही चल रही है, क्योंकि वी गोना स्टार्ट नेक्स्ट मंथ, तो अभी इनफैक्ट वहीं से वही चल रहा है. Okay. तो थोड़ी ये जो बढ़ रही है ये उसी के लिए बढ़ रही है. थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के. थैंक यू. थैंक यू.